नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी नरेश। महर्षि वाल्मीकि जयंती उपलक्ष्य में कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह को संपन्न कराने में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल भागीदारी पार्टी पी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय हीरालाल भागीदारी पार्टी पी जिला अध्यक्ष माननीय राम सिंह उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय मजदूर यूनियन संघ ट्रेड कांग्रेस जिला महासचिव राज बहादुर वाल्मीकि जिला कोषाध्यक्ष सज्जन ताराचंद कार्यक्रम संयोजक कमलेश कुमार वाल्मीकि मुकेश कुमार वाल्मीकि रेखा देवी राजू वाल्मीकि संता देवी मीना देवी पप्पू वाल्मीकि राम प्रसाद जावेद सुरेश धर्मेंद्र अनीश इत्यादि लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर माल्यार्पण कर जयंती समारोह संपन्न किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। जब भाई आप भी आइए तरह ये हमारे नगर पंचायत के हैं भाई, सभी पदाधिकारी हैं। बोलो महर्षि वाल्मीकि की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा महर्षि वाल्मीकि जी आपका नाम रहेगा।
हम ये कार्यक्रम जो बनाते हैं ये हमारे हाथ का नहीं है। अगर सरकार ने अगर हमें मान सम्मान पे ये चीज के अगर महर्षि की वाल्मीकि जी का दे दिया है तो हमें उस पर जिम्मेदारी निभानी है। कार्यक्रम हमारा यहाँ पे अधूरा है क्योंकि उनका भी क्या कहते हैं इस होल्डिंग में फोटो भी है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को हिम्मत करके हमारे साथियों ने रखा। हम चाहते हैं कि अगर उनको अगर समय मिल जाए तो उनसे कहिए कि भी हम आप लोग इंतजार करेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम सभी सम्मानित के तहत है। हम एक जरूर बात कहना चाहेंगे नगर पंचायत के सम्मानित यहाँ के होंगे सहयोगी, हमें 1100 रुपए की वो बात नहीं है, हमें पूरा कम से 11 करोड़ की ताकत चाहिए उनसे। वो यहाँ बढ़ाए तब तक तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि जो चीज हमारे समाज और कर्मचारियों को चाहिए जो बात मुझे कहना है वो उनके सामने मैं कहना चाहता हूँ। धन तो हम भी लगा सकते हैं, धन हमारी समाज पूरी लगा सकती है। हम बैठे थे ना अभी, बहुत देर हुई मगर दुरुस्त आए आप महोदय, आइए आपका स्वागत है। आप इतनी देर से सारे चर्चाओं को आपने कर दिया है, थोड़ा कुछ मैं कहना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज की तरफ से। हम लोग बहुत पीछे जाते हैं, चलते चलते इतना पीछे होते जा रहे हैं कि सबको बुलाया जा रहा है लेकिन बारी बारी एक एक आदमी आ रहा है। मैं सभी अपने समाज कहता हूँ कि अब आगे आइए, ये समाज को इतनी बड़ी त्रासदा किया जा रहा है और उसी से ये वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। इनकी कहानी बहुत अटूट थी, मिला आज उनको हम पूछने का मौका कहाँ से मिला, उनकी भी एक कहानी है तो सब लोगों की यही कहानी है। हम लोग आज थे धीरे धीरे अच्छा बनने के लिए ये महफिल बनाई जा रही है कि सब लोग एक हो आगे से। तो महोदय जी मैं यही सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस धूमधाम वाल्मीकि की जयंती मनाने के लिए अगली बार और जोर जोर से मनाया जाएगा और उस बार फिर भी मैं यही आऊंगा, दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब महोदय कि हमारी समाज जागाने के लिए वाल्मीकि, क्योंकि खाना और कमाने में तो मेरा कहना कि एक समय निकालिए अपने बच्चों को जरूर देखिए, शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। जब शिक्षा की तरफ चलेंगे तभी आगे कहानी अपनी बना पाएंगे और इसके आगे क्या है, हमारे पुरखों क्या क्या किया है हमको मालूम है लेकिन हमको क्या करना है उसे हमें अपदायित करना है और अपने कारों को अपना सुधार के चलना है, अपने बच्चों को लैब बनाने के लिए तैयारी करना है। और मैं इसी जगह बात को समाप्त कर रहा हूँ महोदय जी, संघर्ष बोलने के बहुत समय रहेगा लेकिन समय कम है। धन्यवाद, सर मिला हुआ है बाद में जयंती और हम जो लोग चाहते हैं सभी लोग मिल करके इस शुभ अवसर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में होकर के आगे कार्य बढ़ाने की कृपा करें। आज भी हम लोग अगर जाग नहीं सकते तो कल वहीं खड़े हो जाएंगे जहां हम लोग पीछे खड़े थे। हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है भाइयों और बहनों, सब लोग मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और कंधे से कंधे मिला करके इस कार्य को आगे बढ़ाते चलें। मेरे मतलब यह है कि फतेहपुर या जहानाबाद मैं पहली बार आया हूं, अगली बार ये शुभ अवसर पर वाल्मीकि जयंती पर आऊं तो इससे ज्यादा अपनी समाज के लोग वाल्मीकि इस मंच पर हाजिर रहे
रही बात यह है माता और बहनों से और भाइयों से, ये घर पे अपनी, लेकिन कम से कम बाबा के वाल्मीकि जी के ये क्या दो शब्द नहीं बोल सकते। बड़े दुख की बात, क्या घर के नेता, घर के हम आप सब एक है, यहाँ कोई दूसरे भाई नहीं है। अपने बीती हुई कहानी या जो समझ में आए उसको बोलना चाहिए। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो क्या कौन बोले, परदाता के बोलेगा, उसके हम सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अपनी बात वाल्मीकि जी की बताए हुए रास्ते पे हम लोग क्यों नहीं चलते। तो मेरा ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस पर ध्यान देते हुए आने वाले समय के लिए ज्यादा ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के अपनी बात ना कुछ कह सको। माताओं बहनों भाइयों, तो कम से कम वाल्मीकि जी के उनमें दो मतलब नारद लगा सकते। अगर आज आप लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे तो जहां खड़े तुम वहीं खड़े रह जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं। जय वाल्मीकि, जय भीम। तो धन्यवाद वाल्मीकि जी के